नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सत्ता से दो दशक से भी अधिक समय से दूर रही कांग्रेस अपना पुराना वजूद पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं है, यह एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को राजनीतिक रेगिस्तान में फूल खिलाने जैसा है। कांग्रेस के नेता निजी तौर पर बताते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक संगठन की मजबूती और तैयारी के लिए काफी समय दे रही हैं। वही सावधानी के साथ मुद्दों का चयन करती हुई दिखाई दे रही हैं और मुद्दे उठाती हैं। प्रियंका का पूरा ध्यान हर रोज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कमजोर नस दबाने के लिए लगातार कोशिश की जाती है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर इन दिनों चिंता के साथ आत्मचिंतन के मूड में भी नजर आ रही हैं। चुनावों में मिली लगातार हार के बाद संगठन सृजन पर मेहनत की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। इस बीच में पार्टी 28 दिसंबर को प्रदेश के हर गांव में स्थापना दिवस समारोह मनाकर गांव-गांव संगठन की खबर लेना चाहती है। यदि हर गांव में आयोजन की स्थिति नहीं बनी तो 28 को कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा आएंगी और फिर प्रदेश कांग्रेस में कई बदलाव भी संभावित हैं। लेकिन ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश का चेहरा बनकर उभरेंगे, इस पर लगातार रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि 28 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा जब यहां पर आएंगी तो उसके बाद क्या रणनीति अपनाई जाएगी। 2022 चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कांग्रेस का चेहरा बनेगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा कर पाएगी कांग्रेस, के कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लगातार बदलाव कितनी सफल होगी कांग्रेस में, यह भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। 28 तारीख को जब प्रियंका उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी तो वहां पर क्या रणनीति बनाई जाएगी, कितने बदलाव होने बाकी हैं और अभी तक जो बदलाव हो चुके हैं क्या उससे कांग्रेस में फर्क पड़ा है, क्या अंतर्कलह जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे क्या वो अभी तक सही हो पाया है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से तमाम रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ने जा रहा है और आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं शबनम पांडे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी। सुधांशु वाजपेयी जो कि कांग्रेस से बीजेपी के प्रवक्ता है, माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी आपका भी कुछ देर में वो जुड़ेंगे और इसी के साथ साथ मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, तमाम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या किस तरीके से कांग्रेस में क्या सच में नेतृत्व की एक बेहद बड़ी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा मनोज जी का। मनोज जी क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, ये बदलाव क्या आने वाले समय में कांग्रेस के हित में होंगे? सचिन जी मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कि विगत 30 वर्षों से 90s के दौर के बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से गायब होती चली गई जी। अब ग्रास रूट पर आप अगर देखेंगे तो प्रियंका जी का जो सक्रियता है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले से लेके इनकी शुरुआत सोनभद्र से हुई, सोनभद्र, उन्नाव, कानपुर, हाथरस, इन सब मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करती रही। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है, दरअसल इनके साथ इनके संगठन में इनके कार्यकर्ता और इनके जो ऊपर लेवल के नेता हैं वो इनकी भीड़ में शामिल होते हैं, इनके रैलियों में शामिल होते हैं, इनके जुलूस में जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जब आपके पास बूथ स्तर का कार्यकर्ता नहीं है, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता नहीं है, जिले स्तर पर एक देखिए, क्योंकि 90s के बाद मैंने सचिन जी इसलिए कही आपसे, एक बदलाव आया देश में, मंडल कमंडल के साथ में राम मंदिर की राजनीति का मुद्दा उठा और कांग्रेस से जो इनका जनाधार था वो धीरे धीरे खिसकता चला गया। तो ऊपर लेवल पर भले सरकार को घेरने का काम करें, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, दिल्ली में वो योगी जी को, वो मोदी जी को, लेकिन अब इनको जरूरत है कांग्रेस में पुनः उनके संगठन पे रूट लेवल पर लोगों को एस्टेब्लिशमेंट भविष्य दिखाते हुए या राजनीतिक उद्देश्य के साथ जोड़ना। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पैरलर काम हमेशा करती रही है, चाहे वो सरकार में थी या नहीं थी। आज वो पूरी तरीके से देश और प्रदेश में और अन्य राज्यों में संगठन के साथ सत्ता में काबिज है। जब आप संगठन और सत्ता से एक साथ लड़ते हैं तो चुनौतियां आपकी बढ़ जाती हैं। प्रियंका जी की चुनौती बड़ी है क्योंकि जमीन खाली करने में, चाहे मायावती जी को आपने देखा होगा विगत पिछले काफी दिनों में, अखिलेश जी ने दो ट्रायल कर ही लिया है 2017-2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी से इससे असर नहीं पड़ा।
17 में जबरदस्त बहुमत से यूपी में सरकार बनी, 19 में यूपी ने बहुत मदद किया दिल्ली में मोदी जी को पूर्ण बहुमत में दोबारा आने के लिए। तो रास्ते हैं, मुद्दे भी हैं, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं संगठन को मजबूत करने की। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मंडल कमंडल के साथ तमाम राम मंदिर के मुद्दे उठे और उसके बाद 90s में जो है कांग्रेस में एक बदलाव जो है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ चुका है जब कांग्रेस को एक बार फिर से बदलाव का जो स्वरूप है वो देना होगा। लगातार बने रहिए। शबनम जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि देखिए विपक्ष होना और विपक्ष मजबूत होना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जो जितने भी विपक्ष होते हैं उनका उनका काम होता है, उनका धर्म होता है कि वो सवाल खड़ा करें, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष के अगर पास कोई सवाल न खड़ा करे तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीति जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या जिस तरीके से 90s में मजबूत थी अब वो मजबूती दिखा पा रही है कांग्रेस? तो शबनम जी की आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी की वजह से। जी एक बार यहाँ पर चेक किया जाए उसके बाद जो है तो मैं सीधे रुख करता हूँ मनोज जी के पास। मनोज जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी यहाँ पर दी, किस तरीके से कांग्रेस को और भी यहाँ पर काम करना चाहिए कि आने वाले वक्त में वो और भी मजबूत हो सके, लेकिन ऐसे में आप बखूबी जानते हैं किस तरीके से राजनीति है वह उत्तर प्रदेश की होती हुई आई है, क्या लगता है कांग्रेस को क्या बदलाव करने चाहिए अपने अंदर? नहीं सचिन जी, दरअसल कांग्रेस को उन जनाधार के नेताओं को जोड़ना पड़ेगा विषयों के आधार पर जी। कारण क्या है कि जब कांग्रेस की जमीन खिसकी तो उसका एक बड़ा वर्ग मुलायम सिंह के साथ गया, मायावती के साथ गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों अगर हम कहें कि राजनाथ सिंह अंतिम मुख्यमंत्री थे, इसके बाद जब योगी जी 2017 में पूर्ण बहुमत में आए तो तब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष की भूमिका में अपना रोल अदा करती रही है। कांग्रेस बड़े नेताओं में, बड़े नेताओं की चर्चा जैसे करो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, प्रमोद तिवारी हो, जगदम्बिका पाल हो, या ये कहिए कि इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग आज दूसरी पार्टियों में जाकर के मजबूती से संगठन में भी है, सत्ता में भी है, सरकार में भी है। तो और जो एक विवाद अभी देखिए 3 दिन पहले बैठक हुई CWC की, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं होती है और समय बदल चुका है सचिन जी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज राजनीति जो लोग जुड़ते हैं किसी का कोई मोरल इस बात पर नहीं होता है कि वो आपके साथ आने वाले समय में रहेंगे, जिसकी सत्ता होती है लोग उसके साथ चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 60% प्रदेश में, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी उनको समाहित करने में कामयाब रही है। कांग्रेस इन विवादों में संगठन को मजबूत नहीं करने में सरकार को कंटिन्यू, देखिए अभी ताजा उदाहरण आपके सामने मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में अब चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, इन दोनों के पुत्र मोह के चक्कर में एक बड़ा नेता इनका जो जनमानस का नेता था ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसका भविष्य खतरे में था, वो भाजपा के साथ चला गया और इसी बात का समझौता इन्होंने राजस्थान में बिठा लिया गहलोत के साथ, जो विवाद था पायलट का। अंततः पायलट ने कुछ किया नहीं, लेकिन गहलोत के बाद अपनी स्थिति वहां कायम कर ली। ठीक है, ठीक है मनोज जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देखिए हम लगातार बात कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे और कई सवाल कांग्रेस पर ये खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व की बेहद बड़ी कमी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो रणनीतिकार है कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो भी बेहद कमजोर है और खासतौर पर पुत्र मोह की वजह से कांग्रेस जो है लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए वो मोह छोड़िए, लेकिन जी बिल्कुल आवाज बंद कर दी जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, जी बोलें, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। छोड़ देना चाहिए, देश का मोह होना चाहिए, इस देश के अन्नदाता का मोह होना चाहिए, जिस पर अपने पूंजीपति यारों के इशारों पर ये लाठियां चलवा रहे हैं, वाटर कैनन चलवा रहे हैं, इसके प्रति इनको सोचना चाहिए, इस देश की चिंता होनी चाहिए। ये कृषि आधारित देश है, इस देश की 70%
अर्थव्यवस्था किसानों से चलती है, कृषि व्यवस्था से चलती है, मगर मोदी जी ने ठान लिया है ये पूरी खेती किसानी उठा के वो अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दान कर देंगे और इस देश को नष्ट नाबूद कर देंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी को ये मोह छोड़ना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस जनता की जिस अन्नदाता का वोट लिया है, जिस अन्नदाता का दो टाइम का खाना खाते हैं, उसके प्रति सोचना चाहिए, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, देखिए मेरा भी यही मानना है कि अगर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार और किसान मिलकर कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगे। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर यह हो रही कि कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष में है और कांग्रेस स्वयं मजबूत नहीं है, इस पर लगातार हम सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। बने रहिए, सीधे रुख करते हैं हम शबनम पांडे जी के पास। शबनम जी, देखिए यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुधांशु जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तमाम लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। कांग्रेस लगातार मजबूती से कार्य कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो सरकार लगातार सत्ता पक्ष में है लेकिन किसानों के हित में नहीं है, रोजगार नहीं दे रही है। देखिए सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष और पक्ष दोनों मजबूती से देश हित में सोचे और देश हित में कार्य करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी देश में आज विपक्ष ऐसा है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है। विपक्ष की करीब करीब सभी पार्टियां ऐसी हैं कांग्रेस सहित जो एक परिवार के द्वारा पोषित पार्टी है, परिवार के हित में सोचती है, देश या राज्य हित में नहीं सोचती या जनता हित में नहीं सोचती है। देखिए हम आजाद तो हो गए ब्रिटिशर्स से, लेकिन कांग्रेस ने इससे सीख क्या लिया कि एक परिवार के का गुलाम होकर रह गई और लंबे समय से देखिए इसी गुलामी को पालने पोसने में कांग्रेस धरातल पर चली गई। चाहे पुत्र मो कहिए पुत्री मो कहिए, एक बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को दरकिनार करते हुए एक परिवार की के को अध्यक्ष पद के शिकंजे में रख के और कांग्रेस पार्टी धरातल पर पूरी तरीके से उसका सूपड़ा साफ होता गया। आज अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को देखा जाए तो ये फिल्म में जैसे क्लाइमेक्स में विलन दिखता है उस तरीके से ये निकल कर आते हैं, पर पूरी फिल्म में ये गायब रहते हैं इनका चेहरा। पूरी फिल्म में गायब रहने का मतलब मेरा ये है कि अगर संगठन की बात देखी जाए तो संगठन में आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रदेश लेवल के अपने खुद के कार्यकर्ता नेता को नहीं पहचानते होते हैं। दूसरी बात, नकारात्मक राजनीति को ये अपनी राजनीति चमकाने का मुद्दा क्या बात कर रही हैं आप? बात देखिए ये जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति विपक्ष विलेन है ये, इससे साफ होता है कि आप लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था ही नहीं है। आप लोग लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं करते हैं। विपक्ष के लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको जेल में भेज देते हैं। विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, विपक्ष होते हुए पक्ष की भी बात सुनिए। देखिए कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति करना कि प्रधानमंत्री को इलेक्शन के समय चोर कह देना, अभी कहना कि किसान हित में, अगर किसान हित में हम नहीं सोचते तो ये अधिनियम हम लाते नहीं। आपके लंबे राज में किसान आत्महत्या करते रहे, ऋण तले दबे रहे, पर आपने उसकी सुध नहीं ली, केवल घोटाले और एक परिवार विशेष को धनाढ्य बनाने में रहे। और सचमुच अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो कहा, जिस तरीके से राजस्थान देखिए, कर्नाटक देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, जितने भी इनके वरिष्ठ नेता जो धरातल पर काम करते थे वो अपने आप को अब पार्टी के अंदर हाशिए में समझते थे और इसीलिए पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो लगातार कई सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, अब वो थक चुके हैं, हार कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर रुक करूंगा मैं यहाँ पर मनोज जी के पास। मनोज जी देखिए तमाम आरोप तो यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे कांड हुए जिसपे कहीं ना कहीं कांग्रेस वो बहुत ही कमजोर होती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करें हाथरस की, जो कि उत्तर प्रदेश में ही जब इतना बड़ा कांड हुआ था तो कई दावे किए गए कांग्रेस की तरफ से कि हम रैली निकालेंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन दो बार रैली हुई उसके बाद कांग्रेस जो है वो शांत हो गई। लेकिन वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना है वो बखूबी जानती है। नहीं दरअसल सचिन जी क्या है कि
कांग्रेस जिस तरीके से करंट अफेयर्स में करंट पार्टी चलाने का काम कर रही, तो बड़े नेता, मैंने फिर कहा कि इनके बड़े केंद्र के नेताओं के साथ में जिला स्तर या प्रदेश स्तर के नेता पहुंचते हैं, माहौल बनता है, लेकिन वो चीजें ग्रास रूट तक जानी बहुत जरूरी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, मैं आज सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जब विपक्ष की 2 सीट से आज 372-73 पहुंची है, दरअसल ये सरकारें ये 323 पहुंची, ये क्या करते हैं, ये 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, मायावती कभी चुनाव में कैंडिडेट नहीं खड़ा किए, खड़ा भी की है अगर तो वो प्रचार नहीं की, यही स्थिति अखिलेश यादव की है। और नगर निकाय के चुनाव में अगर देश का गृह मंत्री और यूपी सहयोगी जाते हैं हैदराबाद में, तो हमने आपने देखा परिस्थितियां किस तरह बदली, लोगों मैसेज क्या गया है। बंगाल का चुनाव 2021 में होना है, ममता वहां पूरी तरह स्टेब्लिश रही है, 30 साल की सरकार, उन्होंने वामपंथ को खत्म किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उन खत्म करने का माहौल बना चुकी है। परिणाम क्या होंगे ये बात के विषय, ये कुछ ऐसे उदाहरण है सचिन जी। देखिए, क्योंकि कांग्रेस को हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस से एक छत्र राज हुआ करता था, और धीरे धीरे उन्हीं के नेता, आज हम आसाम की बात कर लें, आज हम मेघालय की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, या किसी भी राज्य की बात कर लें, वो भारतीय जनता पार्टी के पदों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने नेताओं को किन्हीं न किन्हीं कारणों से नहीं रख पाए, नहीं रोक पाए। ठीक बात है, परिस्थितियां बदली है, लोग इसी सदी में, और लोगों को उम्मीदें ज्यादा है, आज विश्वसनीयता कहीं नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बुरे हाल अगर होना शुरू होंगे तो यही भीड़ जो है वो कांग्रेस तरफ जाएगी। लेकिन संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन की मजबूती, कांतिराम जी के जाने के बाद BS4 उन्होंने कैसे खड़ा किया था सचिन जी आप जानते हैं, लेकिन मायावती उसको नहीं संभाल पा रही है। आज मायावती की स्थितियां देखिए कि वो अखिलेश के सहारे संसद में 10 सीटें पहुंची नहीं, इससे पहले सुध हुआ करती थी, लेकिन कुल मिलाकर उनको भी फायदा नहीं मिला, चाहे गठबंधन हो चाहे ना हो। ठीक है मनोज जी, अगर हम बात करें, देखिए वाजपेयी जी, तो जिस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ, 565 रजवाड़े थे और उसको एक एकत्रित कर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही आज एक बड़ा भारत देश जो है वो बनाया, तो ये कोई नहीं मान रहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ तो काम किया था, लेकिन अब जिस तरीके से आने वाले समय में तमाम परेशानियां सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, अब आगे क्या होगा, अब कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर जो कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके आधार पे इस देश को गढ़ा और बनाया, कांग्रेस आज भी उन्हीं मूल्यों, उन्हीं उसी विरासत पर खड़ी हुई है। नहीं है सर, नहीं है ना, तभी तो आज ये आरोप लग रहा है कि नेतृत्व की बेहद बड़ी कमी है कांग्रेस में, तभी तो ये आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके से प्रियंका गांधी चेहरा बनकर खड़ी होंगी, किस तरीके से आने वाले समय में 2022 में जो चुनाव होने वाले वो कैसे लड़ेंगे आप? सचिन जी, मेरा एक सवाल था, मैं पूछ लूं अगर आप? जी बिल्कुल 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 मनोज जी, आप पूछ सकते हैं। देखिए जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी, मेरा आपसे एक सवाल था, मैं मानता हूँ कांग्रेस सेवा दल से लेके संगठन से लेके गांव स्तर तक आपकी पार्टी थी, लोग कमिटेड थे, कारण क्या रहा कि 90s के बाद लोग आपको छोड़ते चले गए और बड़े प्रदेश आपके हाथ से जाता चला गया और संभालने की स्थिति नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, जरा बताएंगे? बिल्कुल वाजपेयी जी, जहां पर आप जवाब दें, किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? जी बोले। देखिए, प्रियंका गांधी जी को अगर उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाया गया है तो ये तय बात है कि आज कांग्रेस की सक्रियता उसके बाद से लगातार बढ़ी है और उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र इतना संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष है जो हर सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाता है, चाहे और आप देख रहे हैं इस समय हम लोगों का संगठन सृजन अभियान चल रहा है माननीय प्रियंका जी के निर्देश पर। ठीक है, कांग्रेस ने ठाना है कि गांव-गांव तक कांग्रेस पहुंचेगी, उन गरीबों, किसानों, मजदूरों जिनकी ये पार्टी हुआ करती थी, जिनके लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आजादी से लेकर अब तक, उन सबके बीच हम जाएंगे और एक नई कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी। और अभी भी मुख्य विपक्षी दल के बतौर अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर कोई जनता के सवाल उठा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। चाहे आपने देखा कोरोना काल में मजदूरों के सवाल पर भाजपा को, तो भाजपा लोकतंत्र विरोधी पार्टी है और वो लगातार ये दिख रहा है कि चाहे कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल में डाल देना हो, ये पहली बार हुआ है कि किसी विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया जाता है। अच्छा। और
आज भी आपने देखा कि जैसे ही विपक्ष के लोग माननीय प्रियंका जी सड़क पर उतरी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे साफ होता है कि ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र में इन लोगों की कोई आस्था नहीं है। लेकिन चूंकि इस देश के लोकतंत्र को हमने गढ़ा है, इस देश के संविधान को हमने बनाया है, इसलिए उस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और इन्हीं मूल्यों को लेकर, इन्हीं विचारों को लेकर, गांव गरीब किसान मजदूर के सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी गांव गांव जा रही है। माननीय प्रियंका जी का निर्देश है कि स्थापना दिवस तक हम ग्राम कमेटियों तक जाएंगे, ग्राम स्तर से न्याय पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर पर नए सिरे से संगठन खड़ा होगा, जिसका असर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ही दिखेगा। पिछले ये तय बात है। ठीक है, तो मनोज जी और शबनम जी, आप दोनों ने सुना किस तरीके से यहाँ पर वाजपेयी जी का ये कहना है कि अब हम तैयारी कर चुके हैं, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। शबनम जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो रणनीति यहाँ पर कांग्रेस अपना रही है, क्या उससे बीजेपी घर यहाँ पर क्या टेंशन में है कि आने वाले समय में कांग्रेस हमें मात दे पाएगी? देखिए सचिन जी, साफ तौर पे मैं कहती हूँ, बड़ी मजबूती के साथ कहती हूँ कि बीजेपी कोई चुनौती कांग्रेस से नहीं समझती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और दलितों की हिमायती बनने की कोशिश की, लेकिन किया कुछ नहीं उनके लिए, उनकी स्थिति वही रही। आजादी की लड़ाई का पूरा जो है अपने ऊपर ये लेते हैं कि हमने आजाद कराया देश को, लेकिन वही स्वतंत्रता सेनानी परिवार जिनको ये पहचानने से भी मुकर जाते हैं वो हाशिए पे रहे लगातार, लेकिन इन सभी का मैंने शबनम जी से बस एक सवाल मैं करूंगा बीच में भूलने के लिए माफी। बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी जी मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा आप सबसे लूंगा। व्यक्ति आजादी के आंदोलन में शामिल रहा जिसने उंगली तक कटाई। ठीक है, समय की कमी की वजह से आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में आप सब जुड़े और तमाम विचार विमर्श है वो आपने हमारे साथ किया। तो कहीं ना कहीं तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे, कांग्रेस को लगातार मंथन करने की जरूरत है, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, लेकिन भाई दूसरी ओर बीजेपी पार्टी पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में तमाम रणनीति बनाई जाए कि विपक्ष और भी मजबूत हो सके और आने वाले समय में बीजेपी को टक्कर दे सके। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, नमस्कार।